नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। उससे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके बाद राजनीति में भूचाल आ गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार किया। उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन संशोधन के एक मामले में अरेस्ट किया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसियों को काम पर लगाती है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसियों को काम पर लगाती है। बीजेपी लोगों को गिरफ्तार करवाकर अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम बीजेपी के टूल हैं। वह समय समय पर इनका इस्तेमाल करती हैं। और संजय राउत ने इस पर क्या कहा है? शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें राजनीतिक बदले की भावना क्या है, ये सबको मालूम है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये कानून की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई भी है। दोनों लड़ाई हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोगों से कहा कि वे उन लोगों को वोट दें जो गायों की रक्षा करते हैं, ना कि उन्हें वोट दें जो उन्हें मारते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में 2017 से पहले गुंडों का शासन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या जिले के मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट और बीकापुर सीट से खड़े बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने फिर से सत्ता में आने पर गायों और अन्य मवेशियों की सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया। सीएम ने घोषणा की कि गाय पालने वाले किसानों को प्रति गाय 900 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे और उनकी सरकार किसी भी परिस्थिति में गायों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए नेता विवादित बयानों से परहेज नहीं कर रहे। ताजा मामला सिद्धार्थ नगर स्थित डुमरियागंज की सीट से है। भाजपा के प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। उन्होंने बीते दिनों कहा था, जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसकी नसों में मुस्लिम का खून दौड़ रहा होगा। अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बयान की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली के सत्तारूढ़ दल की यूपी इकाई ने लिखा, बीजेपी एमएलए ने कहा, जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा उसमें मुसलमान का खून दौड़ रहा होगा। वो जयचंद की औलाद है, तो क्या जो दलित, पिछड़े, ब्राह्मण, वैश्य, क्षेत्रीय बीजेपी को वोट नहीं देते वो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद है। हिंदुओं को गाली, ईसीआई खामोश। वहीं संजय सिंह ने कहा कि आखिर करोड़ों हिंदुओं को गाली देने वाले बीजेपी विधायक को चुनाव लड़ने की इजाजत किसने दी? क्या करोड़ों हिंदुओं को गद्दार, जयचंद की औलाद, मुसलमान की औलाद कहने पर मोदी योगी सहमत है? क्या कहा था राघवेंद्र सिंह ने, ये भी सुनिए। इतना आतंक तो पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर ना डाल हो जितना आतंक आप बताए। लेकिन एक चीज बताए, जो हमारे विधायक बने बाद भी मियन के गुंडागर्दी खत्म भाई कि ना खत्म? खत्म भाई कि ना खत्म? देखो, अब चाहे अफीस हो, चाहे नफीस हो, चाहे उनके अप्पा हो, एक चीज जानी लो, सुन लो आपको, केहू से डरावे जरूरत आई ना। हमारे बिटिया बहन महिलाओं के तरफ अगर अखियां उठाई है, उनके यहाँ खतना हो ली भर, हम पूरा खतनवा करवाए पाकिस्तान में, कुछ हमारे यहाँ कोरोना पैदा हो जाएगा, हो जाएगा कि ना? कुछ अच्छा ही बताए दो, कौनो मियां हम वोट दे तो जान लियो, यह गांव का जवान हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो जान लो ओकरे अंदर मियां के खून दौड़े बा। वो गद्दार है, कुछ हमारे यहाँ कोरोना पैदा हो जाएगा, हो जाएगा कि ना?
कुछ अच्छा ही बताए तो कौनो मियाँ हम वोट दे तो जान लियो यह गांव का जवान हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़ बा वो गद्दार है। बता दें वायरल वीडियो में राघवेंद्र सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है, बताइए क्या कोई मुसलमान मुझे वोट करेगा। इसलिए आप यह जान लीजिए अगर इस गांव के हिंदुओं ने किसी और को वोट दिया तो माना जाएगा कि उनके नसों में मुसलमान का खून है, वो देशद्रोही है। इतने उत्पीड़न के बाद भी अगर कोई हिंदू दूसरी तरफ जाता है तो उसे जनता में अपना चेहरा नहीं दिखाने देना चाहिए। इस वीडियो में उन्हें अपशब्द कहते सुना जा सकता है, उन्होंने कहा और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है, क्योंकि मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा, मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमान सह लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रख दूंगा। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपी के बहराइच में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के जो नेता गर्मी निकालने की बात कर रहे थे वे दूसरे चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए। अखिलेश बोले कि बहराइच का यह जनसैलाब देखकर उनके बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे, ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार जब वोट पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली गई। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के घर और उनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए हैं। कल मैंने बहराइच का मंच देखा, कोई बोल रहा था, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे थे, लग रहा था पत्थर पर बैठे हों। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे वो दूसरे तीसरे चरण में ठंडे हो गए। इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, पता चलेगा इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सपा के मुखिया ने कहा भाजपा ने किसानों से कहा था क्या आय दोगुनी हो गई, क्या डीएपी और खाद मिल गई। इन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये फिर से आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए में बिकेगा। जैसे सरकार ने हवाई जहाज बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, रेलगाड़ी बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिए, सरकार की जितनी बड़ी कंपनियां थी वो सब बेचने का काम हो रहा है। एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गया, हम लेने चले तो बैंक पैसा नहीं देती, दे भी दे तो एक किस्त नहीं देते तो नोटिस आ जाता है, ये पहला नहीं भागा। अखिलेश यादव ने योगी और अमित शाह पर तंज कसा, उन्होंने कहा बाबा सीएम कह रहे हैं कि हम 12 बजे सोकर उठते हैं, जब से उन्होंने कहा उनके घर पर हमने नजर रख दी है, कभी वहां शाम को धुआं निकलता है, पुताई वाले जा रहे हैं, पुताई वाले धुएं के धब्बे लगे उन्हें हटाने जा रहे हैं। बाबा सीएम ने गोरखपुर की टिकट 11 मार्च की बुक कर रखी है। कल उन्होंने कहा कि 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने की स्कीम चलाई है, वो कह रहे थे लैपटॉप भी दे दिया है, खुद पूर्व देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। अखिलेश ने कहा यह लोग पहले घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे, लोगों ने लाल सैंडल दिखा दिया, एक नेता तो थूक लगाकर पर्चे बांट रहे थे, कह रहे थे 12वीं के बाद जो इंटर कर लेगा उन्हें लैपटॉप देंगे, एक मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया, सरकार कार्यवाही नहीं कर रही थी, दबाव बनाने पर थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5वें चरण की वोटिंग के तहत आज अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करना, समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे को लेकर चलती है, सपा कांग्रेस बसपा ने राजनीति की, इन लोगों की राजनीति का आधार जाति मत और धर्म हुआ करता था, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा आज तिलोई को एक मेडिकल कॉलेज भी मिल गया, उस मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने शिलान्यास भी किया, ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था, ये मेडिकल कॉलेज सपा सरकार भी दे सकती थी लेकिन उनके पास विकास का विजन नहीं है। बीजेपी की सरकार बनने पर पहला निर्णय हुआ था कि किसानों की कर्ज माफी का,
अवैध बूचड़ खाने बंद किए थे। हम गोमाता को कटने नहीं देंगे, अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे, बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे। सपा जब सत्ता में आई थी पहला निर्णय लिया था आतंकियों की मुकदमे वापस लेने का। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार में राशन डबल डोज का मिल रहा है, सपा की सरकार होती तो राशन खा जाते, बसपा की सरकार होती तो बहन जी के हाथी का पेट ही इतना बड़ा है। 10 मार्च को सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को होली दिवाली पर फ्री का सिलेंडर मिलेगा। सरकार आने के बाद 60 साल से ज्यादा महिलाओं को यूपी परिवहन निगम की बस में टिकट मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सैफई खानदान वसूली में निकल जाता था। हमने 5 लाख युवकों को सरकारी नौकरी दी। प्रदेश के माफिया गले में तख्ती लेकर निकलते थे, जो दंगा कराते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। खबरों में रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित मैदान में खेल रहे बच्चों ने एक बम को गेंद समझकर उठा लिया। बच्चों के बम उठाते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 4 बच्चे घायल हो गए। मैदान में इस तरह के धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज हो रहा है। घायलों की पहचान नजमा, रुजिया और रहीमा अतिया के रूप में हुई है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि धमाका गांव के मोनीर शेख नाम के शख्स के घर के पीछे हुआ। दोपहर के वक्त कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, तभी बच्चों में से किसी एक ने बम को गेंद समझकर उठा लिया और बम विस्फोट हो गया। वहीं इस तरह के बम धमाके की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल से इस तरह के विस्फोट की खबरें अक्सर आती रहती हैं। आसनसोल में डकैती से बरामद हुए बम इससे पहले रविवार की रात आसनसोल के रानीगंज के राम बागान में डकैती की घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और डकैतों के बीच हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी और एक डकैत घायल हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से गोला बारूद समेत आधुनिक सॉकेट बम भी बरामद किए और बमों को बाद में रानीगंज में एक सुनसान जगह पर नष्ट कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आज महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम ने एनसीपी नेता से लंबी पूछताछ की थी। गिरफ्तारी के बाद एनसीपी नेता की जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई गई, फिर आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से आरोपी मलिक की रिमांड के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी है। नवाब मलिक से हुई पूछताछ पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के मंत्री अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, दिलीप पाटिल और राजेश टोपे की शरद पवार के घर आगे की रणनीति पर बैठक चल रही है। शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का भी बयान आया। वहीं नवाब मलिक ने ट्विटर पर लिखा है, न डरेंगे न झुकेंगे, 2024 के लिए तैयार रहिए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, नवाब मलिक के यहाँ ईडी के लोग आए थे। बहुत दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवक्ता ट्वीट कर रहे थे कि नवाब मलिक और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ईडी का नोटिस आएगा, आज वह हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही थी उसे आज पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कोई नोटिस नहीं आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को सीधा ईडी अपने ऑफिस ले गई। इन्होंने कौन सी नई राजनीति शुरू की है, ऐसा मैंने पहली बार होते देखा है। सोशल मीडिया पर अक्सर दिलचस्प और मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। शादी और दुल्हा दुल्हन के वीडियोस भी खूब वायरल होते हैं। इसी कड़ी में वरमाला डालते हुए एक दुल्हा दुल्हन का वीडियो सामने आया। इस वीडियो को देखकर यूजर्स ने क्या रिएक्ट किया है, आइए जानते हैं क्या खास है वायरल वीडियो में। दरअसल इस वीडियो को ट्विटर पर @ कप्तान हिंदुस्तान नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें पहले दुल्हन दुल्हे के गले में वरमाला डालती है और फिर उसके पैर छूती है। इसके बाद दुल्हा दुल्हन के गले में वरमाला डालता है, लेकिन इसी दौरान वह भी दुल्हन के पैर छू लेता है। जब दुल्हे ने छुए दुल्हन के पैर, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दुल्हन को वरमाला पहनाने के बाद दुल्हा उसके पैर छू लेता है। ये देखकर दुल्हन अपने पैर पीछे खींचती है। आसपास खड़े लोग ये देखकर चौंक पड़ते हैं। ट्विटर पर अपलोड किए जाने के बाद से इस वीडियो को 7,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, उफ ये मोहब्बत। यूजर्स ने किया रिएक्ट, क्या कुछ रिएक्ट किया, चलिए सुनाते हैं। इस वायरल वीडियो पर तमाम ट्विटर यूजर्स ने रिएक्ट किया है। एक यूजर ने कहा,
इसमें क्या बुराई है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अगर जानबूझकर ऐसा किया तो दुल्हे ने ठीक किया। हालांकि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि दुल्हे ने रिवाज समझकर दुल्हन के पैर छू लिए होंगे। वायरल वीडियो पर एक और यूजर ने टिप्पणी की, इस युवक ने भोलेपन में पैर छुए लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।